बच्चि राय दोस्तों असल मैं अमीर करता हूँ आपसे से खरीद से होंगे आज आ, आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज यूनाइटेड स्टेट ऑफ़ अमेरिका यूएसए की कौन से लिमिटेड वीजा सर्विस का आगाज़ किया गया है टॉपिक पे जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है जो लोग नए हमारे चैनल पर मौजूद हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल बटन को ऑन रखें नोटिफिकेशन पाएँ कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो हमारी कोई वीडियो मिस ना हो जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारी कंपनी के बारे में और फेसबुक पेज नायल कंसेंट को फॉलो करें लाइक करें मैसेंजर में जाकर कंट्रीज़ की लिस्ट हासिल कर सकते हैं जिन कंट्रीज़ की हम लोग डील करेंटली डील कर रहे हैं यानी जो कंट्रीज़ करेंटली ओपन है वेबसाइट पे जाकर आप हमारे डिफरेंट जो हमारे नुमाइंदे हैं मैसेंजर्स उनके थ्रू के थ्रू उनके साथ बात कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी टेंशन लोगों को लगी हुई है कि यू एस ए बस ही कब ओपन होगी ज़्यादातर फैमिलीज़ को इशू है जी कि यूएस कब ओपन होगा ऑफिशियली तो यू एस जो है वो थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी तक तो बैन है कोई भी वीज़ा कैटेगरी बट जुलाई में एक डिफिकेशन की गई थी प्रेजिडेंटल जो है उनके एक प्रेस रिलीज के जरिए जो वर्क परमिट है उसको जो है वो बैन नहीं किया गया बट लिमिटेड वर्क परमिट मेडिकल जो फील्ड में लोग हैं उनको अलाउ है कि वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं 28 सितंबर को एक नई प्रेस रिलीज जारी की गई है अमेरिकन एम्बेसी पाकिस्तान में उन्होंने एक रिलीज जारी की है जिसमें कहा गया है कि इस्लामाबाद और कराची में लिमिटेड वीजा सर्विस का आगाज़ कर दिया गया वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसके थ्रू आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ जहाँ से आपको आइडिया होगा कि कौन कौन से वीज़ा कैटेगरीज़ हैं जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों इस तरह हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के यू एस एम्बेसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद है जिसका नाम है पाक डॉट यू एस एस एमबेसी डॉट जी ओ वी स्लैश वीजाज यहाँ से आप लोग खुद भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा है एज ऑफ सितंबर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमबेसी इन पाकिस्तान यू एस काउंसल जर्नल इन कराची है इंक्लूडिंग एफ एम सर्ट एन जे कैटेगरीज अच्छा ये कैटेगरीज कौन कौन सी है मैं आपको एक एक बताता हूँ जी अलाइन फिजिशियन जो कि मेडिकल फील्ड में आती है गवर्नमेंट विजिटर जो सरकारी दौरों पर लोग जाते हैं इंटरनेशनल विजिटर प्रोफेसर प्रोफेसर यूनिवर्सिटी लेवल के लोग रिसर्च स्कॉलर शॉर्ट टर्म रिसर्च स्कॉलर स्पेशलिस्ट सेकेंडरी सबसे अहम चीज़ यहाँ पे जो मुझे फील हो रही है यहाँ पर यह है कि यहाँ पे student, जो सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी जो हजरात जो बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है और वीज़ा अप्लाई कर रहा है जी बिल्कुल वो लोग जो अगर इस कैटेगरी में अगर वो सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो वो लोग ये कैटेगरी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं द एम आर पी फी इज़ वैलिड एंड मे बी यूज के जिन लोगों ने पहले अपॉइंटमेंट बुक की थी और कैंसिल हो गए थे तो कोरोना वायरस की वजह से कोविड नाइन्टीन की वजह से तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा अपने कंसल्टेंट को बोले कि वो आपके अपॉइंटमेंट रीस्केजल करें और री स्केजुअल करने के लिए ये नीचे एक लिंक दिया गया है इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जिस तरह वो आपसे मांगता रहेगा आगे आपने उस तरह ले चलना ये मैं आपके सामने मैंने अपॉइंटमेंट की लिस्ट खोल ली है इसको अपने फ़िल करना है फ़िल करके दोबारा आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मैं दोस्तों यहाँ भी एक बात कहता चलूँ कि बी वन बी टू जो है जिसको हम टूरिस्ट प्लस मेडिकल वीज़ा कहते हैं ये अभी ओपन नहीं हुआ बट मैंने कहा था जितने ममालिक वीज़ाज़ ओपन कर रहे हैं वो फीज़ में वीज़ाज़ ओपन कर रहे हैं फीज मतलब मराहल में मतलब मरघावाल फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह भी यू एस ए ने पहले वर्क परमिट को ओपन किया उसके बाद उन्होंने अब चार पाँच कैटेगरीज ओपन किया और वर्क परमिट उनके जो है वो भी अगर हस्बैंड आपके वहाँ पे वर्क परमिट में हैं और आपकी वाइफ पाकिस्तान में मौजूद हैं तो वो वर्क परमिट पे अप्लाई करके जा सकती हैं पाकिस्तान से मैं एक बात क्लियर कर दूँ पाकिस्तान के अंदर यू एस ए के वर्क परमिट बिल्कुल लगते हैं कराची से डॉक्टर्स काफ़ी गए हैं पैरामेडिकल स्टाफ बहुत ज़्यादा यू एस ए जाता है और वो थ्रू ऑनलाइन जो प्रोसेस होता है उससे गुजर कर जाता है मैंने ज़्यादातर सुना है कराची के लोगों को सुना है इस्लाम में कुछ दोस्त गए हैं मगर वो, वो मेडिकल फील्ड में गए हैं ऑल फील्ड में मैंने नहीं देखा या सुना है गए होंगे बट मेरे पास उसकी इन्फॉमेसन नहीं है लिहाजा बैड न्यूज़ उन लोगों के लिए जो बी वन बी टू है हाँ बी वन बी टू लोगों के लिए अगर आपने केस फाइल करना है आप फाइल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं क्योंकि जैसे खुलेगा तो अपॉइंटमेंट्स का इशू लाजमी होगा तो जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट्स लेनी है बी वन बी टू की आप बिल्कुल अपनी फाइलिंग करें और अपॉइंटमेंट लेट लें डेट ऑफ ट्रैवलिंग मेरा मेरी एडवाइस ये है कि डेट ऑफ ट्रैवलिंग न्यू ईयर मत रखिएगा डेट ऑफ ट्रैवलिंग रखनी है आपने समर वेकेशन की क्योंकि अभी न्यू ईयर के लिए आपको अगर डेट मिल भी जाए तो न्यू ईयर तक न्यू ईयर तक लेट्स सपोज अगर वो अपॉइंटमेंट्स या बेसिस इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करती तो अपॉइंटमेंट वेस्ट हो जाएगी आपकी मेरा आपको मशवरा है आप डेट डालें फेबरी के बाद मार्च की बात क्योंकि यू में मौसम भी ठीक हो चुका होगा सर्दी नहीं होगी वहाँ पर इतनी और आपके समर वेकेशन का एक बहाना भी होगा खास तौर पे जो फैमिलीज़ हैं जिन्होंने बी वन बी टू अप्लाई करना है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो प्लीज़ उन बच्चों का बहाना बनाकर स्कूल गोइंग समर वेकेशन के जो वेकेशन हैं उसका बहाना बनाकर आप ट्रैवलिंग डेट मई जून या अप्रैल मई जून जुलाई डाल सकते हैं आप केस आज फाइल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट आप ले लें फेबरी जनवरी की जनवरी फवरी की तो ये थोड़ा सा और सब्र करना पड़ेगा उन लोगों को जो बी वन का वेट कर रहे हैं उम्मीद है इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये जो ये भी कैटेगरी जो बाकी कैटेगरीज हैं यू की वो भी इंशाल्लाह ओपन हो जाएगी मजीद इनफार्मेशन के लिए ये वेबसाइट मैंने आप आपको बता दी आपको प्लीज़ आप इस वेबसाइट पर जाकर जो भी इन्फॉमेशन चाहिए आपको ले सकते हैं इनके यहाँ दिए हुए मोबाइल नंबर भी है, कौन, आ, हैं सॉरी कॉन्टैक्ट नंबर हैं इनके यहाँ पर और ई मेल भी हैं जिससे आप कॉन्टैक्ट करके मज़ीद मालूम ले सकते हैं ये आज लेटेस्ट अपडेट थी उम्मीद करता हूँ काफ़ी लोगों को जो टेंशन थी कि भी वन बी टू ओपन होगा अभी तक ऐसी एग्जैक्ट डेट नहीं है बट उम्मीद की जा रही है जल्दी होगा उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी अगर भाई की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़